कोविड-19 मतलब कोरोना ओरिजिनेटेड वायरस इन दिसंबर 2019 है ना, ये चाइना में जो है ना आया था, और इसके बहुत मुख्तलिफ इसके पीछे जो है ना बातें बनाई गई है कि कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका की चाल है, कुछ कहते हैं चाइना ने खुद ही बनाया है जो है ना सुपर पावर के लिए। अभी तो एक और बात मशहूर हो गई है कि चाइना जो है वो उसने जो है ना वर्ल्ड वॉर थर्ड जीत लिया है बगैर एक मिसाइल चलाया है अभी, क्योंकि अभी अमेरिका इतना सफर करके इटली स्पेन सारे मुल्क करके चाइना जो है बिल्कुल सेफ है। हमें तो बस सिर्फ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चाइना इसको मुकाबला कर सकता है और चाइना की पॉपुलेशन देखें सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर इस चीज़ की एहतियात हो सकती है तो हर जगह इसकी एहतियात हो सकती है। अब पाकिस्तान जो है वहाँ पर इसकी एहतियात बहुत आसानी से हो सकती है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो अवेयर नहीं है इस चीज़ से, उस लोगों में अवेयरनेस नहीं है, एक अवेयरनेस नहीं है, दूसरा ये है कि बहुत हमारे तकरीबन ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो गाड़ीदार मजदूर जिस तरह दुकानदार हो गए बाकी रेडी वाले हो गए बाकी मतलब ये अपने डेली के जो बेचेस हैं डेली के जो वो चीज़ें वो कमाते हैं और उसी पर अपना जो है ना घर चलाते हैं। हमारा जो कारोबार है जो लेन देन है जो बिजनेस था जो हिसाब सब कुछ था वो सब गर्म भरम हो गया है, हमारा नुकसान हो गया, मजदूर लोग हैं मजदूर नहीं मिल रही है, हम इधर से अभी मिसाल के तौर पर अहमद से इधर मानसरे तक जाते हैं, हमको गाड़ी पहले 50 रुपये में पहुँचाई थी हमको 1400-1500 रुपये में लगते हैं, दुकान के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, सब कुछ चीज़ महंगी है और गरीब लोग किस तरह लें, हर चीज़ महंगी दे रहे हैं वहाँ से भी महंगी आ रही है, तो गरीब लोगों को मुश्किल है। मुझे मजदूर खरीद यार कारोबार ने सवारे सरार से बलाड़ दी मुंह सुन को दिहाड़ी में आड़ी कारने से सारे लोग परेशान है, घर में बैठे दवाई करते हैं कि खुदा पाक इसको खत्म करे। अपने घरों में रहें और अच्छे तरीके से आपने सारा काम काज करें, ये हिफाजत लाजमी है क्योंकि ये आज तक जो हुआ है काफी मुश्किल टाइम है, ये नहीं कि ये वैसी अफवाह। काम का मज़ा नहीं है इस बीमारी की वजह से, पहले जो था हफ्ते में महीने में 5-6 चक्कर लगते थे, अभी 2 चक्कर भी नहीं लगते रजा आए बरस बिल्कुल हारी ऐसी हिफाजत था और ऐसी हिफाजत लाजमी आए ना था कि आई निश आए ऐसे बिल्कुल गवान डाल भी नहीं ऐसे खतीब साहब जहाँ मरत रहती और हर एक मासूम के बड़ों के बूढ़ों के लिए एहतियात ले लाजमी आज चंद एहतियात होनी, अल्लाह पाक के हर इंसान हर सोचता हूँ फिक्र दा हूँ कि आज से एहतियात होनी तो यही जा रही है, बीमारी बहुत जा रही है और काम वाम कुछ नहीं है, इमरान खान ने बोला इमदाद देंगे तो इमदाद भी कुछ नहीं आई अभी तक।